डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। दादा एक मौका और दे दीजिए। दादा मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। हमारे लिए जान भी दे देगा। चलो हम तुम्हारी जान ले लेते हैं। जो इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। काशी 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 चल 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 मेरे साथ। अरे छोड़ी चला चल चल मेरे साथ जल्दी चल। क्या हुआ हुआ शीला किसी से झगड़ा हुआ क्या? अरे मतलब क्या हुआ पता नहीं बाबूजी। चल चल क्या? अरे मैं बाबूजी बाहर बताऊंगा। कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। हां मगर शिवा क्या हो रहा है? किधर लेके जा रहे हो काशी को? बाबूजी जिन लोगों पर तुमने हाथ उठाया है ना वो कातिया के आदमी है। कातिया के बीच बाजार में काट देता है वो आदमी। ये तुम्हारे बनारस का चौक नहीं है। हां जानता हूं ना मर्दों का शहर है ये। बीच बाजार में एक औरत को घसीटा जाता है मारा जाता है बस खड़े होकर तमाशा देखो। जो मदद करे वो गधा बेवकूफ। तो कौन सा तीर मारा तूने? क्या किया तुमने? आज तुम बीच में पड़ गए लेकिन कल वो उसे दोबारा मारेंगे तो फिर मारूंगा। मैं फिर मारूंगा उन्हें। अगर मेरी आंखों के सामने ऐसा होगा तो मैं फिर मारूंगा उन्हें। मैं नहीं देख सकता ये सब कुछ नहीं देख सकता। काशी अगर बाजार में भाभी का कोई हाथ पकड़ ले तब भी आप मुझसे यही कहेंगे? उसने क्या किया है? चार काबून डाकर काबून। अरे मुन्ना को छोड़ो। मुन्ना चाहिए ना तो काशी को ले और मुन्ना को ले जाओ वरना इस पिल्ले का कीमा बना डालेंगे। चल चल चल। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मार देंगे ना मुझे। मार जाऊंगा लेकिन बाबूजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। भैया आप नहीं जानते कि डॉक्टर साहब ने कहा है बाबूजी को गले का क्या? कोई सगा लगता है बाबूजी का क्या? मैं बेटा हूं उनका। मैं मुझे भी चिंता है उनकी। काशी देख तू समझने की कोशिश कर। तेरे यहां रहने से हम सबको खतरा है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तू पिताजी की चिंता मत कर। मैं हूं ना मैं देख लूंगा उन्हें। तू ऐसा कर तू ये पैसे रख ले। यहां से सुबह सुबह ट्रेन जाती है तू उसी में चला जा। तेरा यहां रहना ठीक नहीं है। मैं चलता हूं। ये जानते हुए भी कि काशी की जान को खतरा है तू उसे वहां अकेला छोड़ाया इस अजनबी शहर में? तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे क्या बुजदिल कहीं का? अरे वो तेरा सगा भाई नहीं है तो क्या हुआ? भाई से भी बढ़कर है वो। तुझ पर जान छिड़कता है। तुझसे अच्छा तो वो है। जब तू यहां चला आया था ना कुछ बनने के लिए तब उसने देखा था मुझे वहां। एक बेटे के सारे फर्ज निभाए थे उसने। खरा सोना है मेरा बेटा काशी खरा सोना। अब मैं यहां नहीं रहूंगा चला जाऊंगा अपने काशी के पास। वहीं जाके दम तोड़ूंगा। चार आदमियों की जरूरत नहीं है मुझे। सुन ले अकेला काशी ही काफी है मुझे कंधा देने के लिए। अरे बुत बनकर कब तक बैठा रहेगा? मुन्ना को कौन लेकर आएगा? वो लोग कह गए कि मुन्ना को ले जाने के लिए पहले काशी को लेकर आओ। तेरा भाई काशी तो यहां है नहीं तो मुन्ना कैसे आएगा? अगर मुन्ना को कुछ हो गया तो? भोलेनाथ तेरी हमेशा कृपा रही है हम पर। ठीक है बच्चा मिलेगा मिलेगा लेकिन इसके लिए तुम्हें अकरम खान पख्तूनी से लड़ना पड़ेगा। मुन्ना के लिए मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूं बहुत डेंजरस है। ये आदमी को मारता है और फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेता है ऐसा सुना है मैंने। काशी का दिल निकालने के लिए दिल चाहिए।
चेना। अच्छा किया जीजा जी जो रोक दिया, वरना सात भाइयों की जगह छह रह जाते। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। काशी, क्या दादा साला हमारे अखाड़े में आके हम ही को चुनौती देके चला गया।